वेलकम दोस्तों, आज हम बनाएंगे पुरानी बेडशीट से एक डोरमैट। काफ़ी आसान है, मैं आपको कई सारे टिप्स एंड ट्रिक्स भी दूंगी, तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हमें बेडशीट को लंबे लंबे टुकड़ों में कट करके लेना है। हर टुकड़ा मैं 8 इंच का कट करके ले रही हूँ। ये देखिए, ये हमारे बेडशीट के टुकड़े कट करके तैयार है। दोस्तों, अब हमें इन टुकड़ों की बनानी है चोटी, जैसे हम बालों की बनाते हैं बिल्कुल वैसी। तो उसके लिए ये रहा हमारा पहला हिस्सा, ये रहा दूसरा और ये रहा तीसरा। इन तीनों टुकड़ों को हम एक साथ सुई धागे से सी देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक टिप देना चाहूँगी दोस्तों, कि अगर आपका कपड़ा बहुत ज़्यादा मोटा है, आपकी सुई अंदर नहीं जा रही है, तो आप सुई को अपराइट पोजीशन में रखिए। मतलब सुई की आग जहाँ से हम धागा पिरोते हैं उसे आप ज़मीन पर टच करेंगे और फिर ऊपर से आप मोटे वाले कपड़े को सुई में अंदर ढकेल देंगे, तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो दोस्तों, ये बन गए हमारे तीन हिस्से। अब हमें बनानी है इसकी चोटी। यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे हम थोड़ा सा बालों को खींच के चोटी बनाते हैं तो उसका शेप काफ़ी अच्छा आता है, उसी तरह यहाँ पर भी अगर आप किसी व्यक्ति की हेल्प लेंगे इस चोटी को एक छोर से पकड़ने के लिए, तो एक अच्छा सा तनाव बनेगा और आपकी चोटी काफ़ी अच्छी बन के आएगी। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आप मेरी तरह थोड़ी सी चोटी पहले बना लीजिए और फिर टेबल और दीवार के बीच में उसे रख के आगे की चोटी बनाइए। या फिर आपके घर में अगर राइटिंग पैड हो तो जहाँ पे हम कागज़ को अटकाते हैं उस चिमटे में आप चोटी को अटकाइए। आप चाहे तो कोई भारी टेबल या कुर्सी को भी चोटी को बांधकर आगे की चोटी बना सकते हैं, या फिर पर्दे लगाने की जो रॉड होती है, दरवाज़ा खिड़कियों का जो हैंडल होता है, वहाँ पे भी आप चोटी के पहले हिस्से को टाई करके आगे की चोटी अच्छे से बना सकते हैं। ख्याल रखिए दोस्तों कि कपड़े का जो फिनिश्ड वाला पार्ट है, जहाँ से अच्छा कलर है कपड़े का, वो हमें ऊपर के साइड लेना है, ताकि हमारी जो डोरमैट बनेगी वो काफ़ी पॉलिश्ड दिखेगी। दोस्तों, ये छोर अभी ख़त्म होने को आया है। अब हमें यहाँ पे दूसरा टुकड़ा ज्वाइन करना होगा, तो उसके लिए हम पुराने टुकड़े को ऐसे सीधा रखेंगे और जो नया टुकड़ा है उसको इस तरह उल्टा रख देंगे और फिर हम इसे सी देंगे। ये देखिए, सिलने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। बस अब हमें आगे चोटी बनाते जाना है। दोस्तों, हमने टुकड़ा 8 इंच की चौड़ाई का लिया, इसलिए हमारी चोटी इतनी मोटी बनी है। अगर आप कम चौड़ाई में टुकड़े को काटेंगे तो आपकी चोटी पतली बनेगी, आपके प्रेफरेंस के अनुसार होगा ये। दोस्तों, बेडशीट के सारे टुकड़े ख़त्म हो जाने के बाद मैंने सफ़ेद कलर के जो भी मेरे पास पुराने कपड़े थे उसके टुकड़े बना के उनसे चोटी बनाई है और आगे जॉइन कर दी है। बेडशीट का कलर ब्लू था तो इसीलिए मैंने वाइट कलर पसंद किया है। यहाँ पर आप भी कलर के साथ अलग अलग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आपके अलमारी में जो भी कपड़े हैं उनकी रंग संगति को देखिए, कौन सा कलर किस कलर के साथ अच्छा लग रहा है, और फिर उस हिसाब से आप कलर को चूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, ये हम चोटी के आखिरी छोर तक आ चुके हैं। अब चलिए हम इसे फिनिश कर देते हैं और फिर हम इन तीनों हिस्सों को एक साथ सील देंगे। दोस्तों, हमें डोरमैट सर्कुलर शेप में बनानी है, राउंड शेप में। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक टिप देना चाहूँगी कि सीलना शुरू करने से पहले एक बार आप रफली चोटी को इस तरह अरेंज कर लीजिए और देख लीजिए कि आपने जो चोटी बनाई है उससे कितनी बड़ी या छोटी डोरमैट बनेगी। अगर आपको डोरमैट छोटी लग रही है तो आप चोटी को और भी लंबा बना सकते हैं। दोस्तों, मैं सफ़ेद कलर को अंदर की साइड लेने का सोच रही हूँ। सिलने के लिए हम जो धागा लेंगे दोस्तों, वो अच्छी क्वालिटी का हो तो अच्छा है, ताकि वो ज़्यादा समय तक टिके धागा और सिलते समय बीच बीच में टूटे भी ना।
आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे डबल का धागा लिया हुआ है। तो दोस्तों हम इस छोर को ले लेंगे और इसे इस तरह मोड़ देंगे और यहाँ से हम सिलना स्टार्ट करेंगे। शुरुआत में हमें टाके करीब करीब लगाने हैं और जैसे ही हम इस सेंटर से दूर चले जाएंगे तो हम लंबे लंबे डिस्टेंस पे भी टाके लगा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने इतना सी दिया है। अब मैं चोटी को इस तरह घुमाऊंगी सर्कल बनाते हुए और यहाँ से हम टाके लगाते जाएंगे और बस ऐसे ही हमें कंटिन्यू करना है। दोस्तों इतना हमने सील दिया है, अब बस इतनी चोटी को सिलना बाकी है। तो चलिए सिलते हैं। ये जो आखिरी छोर है उसे मैं थोड़ा सा ऊपर उठाऊंगी और इस साइड मोड़ दूंगी और फिर हम यहाँ पे सील देंगे इसको। देखिए दोस्तों ये हमारा पायदान बनके तैयार है। हम इसे बिल्कुल ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक सजेशन देना चाहूँगी कि ये जो धागे हैं ये ज़मीन से घर्षण की वजह से या पानी के वजह से कमज़ोर पड़ के टूट सकते हैं, तो इसीलिए मैं इस डोरमैट को नीचे से एक सपोर्टिव कपड़ा लगा दे रही हूँ। ये एक पुरानी शतरंजी है तो इसे हम डोरमैट के शेप में कट कर लेंगे और फिर हम इसे हॉट ग्लू गन से चिपका देंगे। जिस साइड से हमने स्टिचेस लगाए हैं, जिस साइड से धागा दिख रहा है उसी साइड से हमें इस कपड़े को चिपकाना है। दोस्तों आप फैब्रिक ग्लू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप सुई धागे से भी इसे स्टिच कर सकते हैं। कॉर्नर कॉर्नर से स्टिच कीजिएगा और थोड़ा सा बीच में स्टिच कर लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम डोरमैट पे पैर घिसते हैं तो पैरों के नीचे से पायदान हमारा फिसल जाता है, तो ऐसा ना हो इसलिए मैं हॉट ग्लू गन की मदद से इस तरह की रेखाएं बना रही हूँ ताकि ज़मीन में और डोरमैट में फ्रिक्शन बना रहे। तो दोस्तों ये हमारी डोरमैट बनके बिल्कुल तैयार है।